जय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल जो है, स्मार्ट स्टडी हब जो चैनल है उसमें हमारी जो सीरीज चल रही है, ईएमएफटी की जो सीरीज चल रही है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अभी हमने किए थे, यही वेव प्रोपेगेशन से रिलेटेड था। हमने क्या किया था, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इक्वेशंस थी वो डराइव की थी, मैक्सवेल की इक्वेशंस डराइव की थी, किसके लिए, टाइम वेरिंग के लिए भी और एक टाइम हार्मोनिक्स के लिए भी हमने डराइव की थी। तो नेक्स्ट में अभी हम चल रहे हैं प्रोपेगेशन। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन से मतलब आप समझ रहे हो ना, वेव प्रोपेगेट कैसे करती है, वेव ट्रांसफर कैसे कर रही है, मूव कैसे हो रही है वन पोजिशन से, मतलब डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं। तो उन मीडियम्स को, जो डिफरेंट मीडियम्स थे ना, उनको हमने एक तरीके से चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक है हमारा लॉसी डाइलेक्ट्रिक, सबसे पहले हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, फिर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, थर्ड में हम बात करेंगे गुड कंडक्टर के लिए, और एक है फ्री स्पेस। अभी तक हम फ्री स्पेस में बात करते आ रहे थे ना, फ्री स्पेस में हमें पता ही है, फ्री स्पेस में हमारे पास क्या थी भाई, कंडक्टिविटी तो जीरो होती है, ये जो सिग्मा है इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी जीरो होती है, कोई कंडक्टिविटी नहीं होती, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट, और म्यू म्यू नॉट के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन लॉसी डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या है, कंडक्टिविटी जीरो के बराबर नहीं होती है लॉसी डाइलेक्ट्रिक के केस में, लॉसलेस के केस में भी ये जीरो के बराबर ही होगी, और गुड कंडक्टर जहां पे गुड कंडक्टर होगे तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, कुछ कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, और इसी तरीके से एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी भी रहेगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी रहेगी, मतलब दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। सेम इसी तरीके से परमिबिलिटी में भी रिलेटिव परमिबिलिटी भी रहेगी और एब्सोल्यूट परमिबिलिटी भी रहेगी। अब देखिए, पहले रिवाइज कर एक हम जाते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी डेल ई, अब हमने यहाँ पे ना प्रोपेगेट हम कर रहे हैं तो एक सफिक्स लेके चल रहे हैं एस एच एस एच एस ई एस और एच एस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनको हम एस सफिक्स से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी होता है ना, रो वी। अब लेकिन क्या केस है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई मैक्सवेल जो ये वाला था, ये अगर हम बात करें किसकी, इसमें अगर हम बात करें लॉसी डाइलेक्ट्रिक के केस में, लॉसी डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या है कि जब भी ये प्रोपेगेट करती है ना तो क्या होता है कि पावर पावर को छोड़ेगी, तो पावर छोड़ेगी तो इसका मतलब क्या है, वो इम्परफेक्ट डायलैक्ट्रिक हो जाता है। इम्परफेक्ट डायलैक्ट्रिक के केस में क्या होगा कि सिग्मा हमारी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम एक ऐसा सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं जो लीनियर है, आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस है और चार्ज फ्री है। अगर अब चार्ज फ्री सिस्टम है, चार्ज फ्री सिस्टम है तो उसमें चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। तो पहली इक्वेशन हमारी मैक्सवेल की क्या थी, डेल डॉट डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। अब डी किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन डॉट ई एस के बराबर, मतलब एप्सिलॉन ई कह सकते हो आप, एप्सिलॉन यहाँ पे हम ई की जगह हम ई एस नोट कर रहे हैं, तो रो वी जीरो है तो डेल डॉट डी ई एस भी हमारा जीरो होगा। सेकंड इक्वेशन क्या थी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी हमारा क्या होता है, म्यू एच, तो बी म्यू हमारा जीरो हो जाएगा, एक तरीके से उसको कंसिडर करते हैं, डेल डॉट एस एच जीरो हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या थी, हम ये हार्मोनिक वाला टर्म लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं जो टाइम फैक्टर है, जो सब इक्वेशन सप्रेस हो रही है विद द टाइम फैक्टर ई रेस टू द पावर जे ओमेगा टी। तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो हमने लास्ट में ड्राइव की थी वहीं से हम ये लेके चलेंगे, डेल क्रॉस ई एस हमारा हो जाएगा, जनरली होता क्या है डेल क्रॉस ई एस माइनस डेल बी बाय डेल टी। अब अगर इसमें हम बात करें टाइम हार्मोनिक्स में तो ये हो जाएगा माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, या माइनस जे ओमेगा बी, बी हमारा क्या होता है म्यू इंटू एच एस, तो ये सेम इसी तरीके से डेल क्रॉस एच एस क्या होता है सिग्मा प्लस एक तरीके से जे प्लस डेल डी बाय डेल टी होता है ना, तो जे हमारी ये है कंडक्टिविटी जे इंटू ई एस, और जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई एस ये हमारी होती है जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है डेल डी बाय डेल टी। ठीक है, अब ये चार इक्वेशंस आपने समझ आ गई। अब इन चार इक्वेशंस में से जो पहली दो इक्वेशंस है उनको छोड़ के एक बार हम थर्ड इक्वेशंस लेंगे, एक बार फोर्थ इक्वेशन लेंगे। जब पहले हम थर्ड इक्वेशन लेके उस पर कर लेते हैं, दोनों साइड हम कर लेते हैं, देखिए लिख रहा है टेकिंग द कर्ल ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड कर लेते हैं, तो डेल क्रॉस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई एस ये हो जाएगा माइनस जे ओमेगा म्यू डेल क्रॉस एच एस। ठीक है, क्योंकि वेक्टर के साथ ही कर्व वो कर लोगा। अब एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है, उसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वेक्टर आइडेंटिटी क्या होती है कि जब भी डबल कर्ल होता है किसी वेक्टर के साथ डेल क्रॉस ए होता है तो वो किसके बराबर होता है डेल ऑफ डेल इनटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, ये इसके बराबर होता है ना। तो ए की जगह हम रख देते हैं ई एस, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट ई एस माइनस ई डेल स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इनटू ई एस। ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन ही लिया अभी हमने, ये समझ आया ये वाली टर्म कैसे आई, जे ओमेगा म्यू और एच एस हमारा किसके बराबर होता है ये एच एस डेल क्रॉस एच एस, तो डेल क्रॉस एच एस ये वाली इक्वेशन आएगी, डेल क्रॉस एच एस की हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब पहली इक्वेशन में देखिए डेल डॉट ई एस क्या है जीरो, तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, तुम्हारे पास क्या बचा
डेल स्क्वायर ई एस ये वाली टर्म बचेगी, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस गामा स्क्वायर ई एस। अभी गामा स्क्वायर क्या है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया है, गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जे ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब जो गामा क्या है वो है हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ मीडियम, कोई भी जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे हैं, तो उसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है कि किस कांस्टेंट के साथ वो प्रोपेगेट करेगा, तो वो गामा मेजर करेगा, मतलब वो गामा से ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम हमेशा मेजर करेंगे रेसिप्रोकल मीटर्स में। तो एक बार तो हमने थर्ड वाली इक्वेशन के साथ किया, सेम अब हम करेंगे इसके लिए फोर्थ वाली इक्वेशन। पहले हमने इसको कर लेंगे, कर लेके वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद डेल क्रॉस ई एस आ जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन अप्लाई रखेंगे और इसको हम फिर गामा स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल क्रॉस एच एस माइनस गामा स्क्वायर एच एस। बस क्या है कि ई एस की जगह एच एस हमारे लग गया। तो ये तो दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वेक्टर वेव इक्वेशंस बोल सकते हैं या हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कि वेव इक्वेशन के लिए डेरिवेशन क्या है या हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के लिए डेराइव कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशंस हैं। अब देखिए ये वाली टर्म समझ आ जानी चाहिए, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए करिए, और अगर कोई कहीं से भी जो प्रॉब्लम आ रही है फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब जो हमें बताई है जो गामा क्या है, एक ये क्या है, ये एक फेजर क्वांटिटी है। तो गामा को हमने मान लिया कि भाई अल्फा प्लस जे बीटा, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अगर हम उसका इसका रियल पार्ट लेते हैं माइनस उसका रियल पार्ट लेते हैं और उसका माइनस लेते हैं, तो वो किसके बराबर हमारा होता है, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। मतलब इसका जो पार्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। इसका रियल पार्ट हम लेते हैं, सिर्फ रियल पार्ट। और अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमारा ये इसके बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप, मतलब एक बार सॉल्व करने, जो हम डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना कि भाई इसको अपॉन में कीजिए, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा और बीटा के लिए टर्म निकल के आएगी, तो ये हमारे टर्म जो निकल के आई है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद निकल के आई है, ठीक है। तो अल्फा हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू म्यू एप्सिलॉन बाय टू इंटू अंडर रूट वन प्लस सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। बस इन दोनों इक्वेशंस में एक चीज का डिफरेंस है, बस माइनस और प्लस, ये ध्यान रखने की। जो अल्फा वाला है टर्म है वो माइनस है, और जो बीटा वाले टर्म है वो प्लस है। अब ये जो अल्फा क्या है यहाँ पे, ठीक है, और जो बीटा क्या है, बीटा एक हमारा वेव नंबर है, और जो अल्फा है ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हर जो हमारे मीडियम्स में हम ये चार टर्म ही निकालनी है, मतलब ये चार पांच टर्म ही हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो इन टर्म्स को आपको भूलना नहीं है। जो अल्फा है, अल्फा हमारा क्या है, एटेन्यूशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। एटेन्यूशन कॉन्स्टेंट हम बोलते हैं, एटेन्यूशन कॉफिशियंट भी बोल सकते हैं मीडियम का। इससे हम क्या मेजर करते हैं, इट इज ए मेजर ऑफ स्पेशियल रेट ऑफ डिके ऑफ वेव इन द मीडियम, ठीक है। अटेन्यूएशन किस वेव से वो अटेन्यूएट हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है एक तरीके से वो, और हमेशा मेजर डी इसमें हम करेंगे वन नेपर्स पर मीटर, ठीक है। और यूनिट्स ये हमारी जो होगी, वन नेपर्स पर मीटर भी बोल सकते हो आप, और डेसिबल पर मीटर, ठीक है। तो वन नेपर इज इक्वल टू कितना होता है, एक तरीके से 20 लॉग 10 ई, वो मैं आपको बता दूंगा, और 8.86 डेसिबल के समथिंग हमारा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो बीटा है, बीटा क्या है, फेज शिफ्ट पर यूनिट लेंथ, जो हमेशा रेडियंस पर मीटर में मेजर किया जाता है, उसको फेज कांस्टेंट या वेव नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो बीटा से ही हमारी दो तीन टर्म्स और निकल के आती हैं, बीटा हमारा होता है, बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, यू ओमेगा। यू आपकी क्या है, वेव वेलोसिटी, और ओमेगा आपको बताइए, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और लैम्डा जो है, एक टर्म और आती है, बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा आपका, लैम्डा भी हम दो तीन टर्म्स हम लैम्डा हम पढ़ी चुके हैं कि लैम्डा हमारी होती है वेव लेंथ, जो वेव प्रोपेगेट कर रही है उसकी लेंथ कितनी है। अब देखिए ये वाले टर्म्स तो चलो क्लियर होगी। अब हम एक कंसिडर करके चलते हैं कि जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो हमारी होती है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ई एक्स का ई एस जो हमारा हो जाएगा, ई एस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एच एस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ई एक्स एस हमारी हो जाएगी एक तरीके से ई एम वेव, ठीक है। ये प्रोपेगेट कर रही है जेड डायरेक्शन में, और इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया जेड। तो ई एस जो प्रोपेगेट करेगी, ई एस का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और एच का कंपोनेंट हो जाएगा वाई कंपोनेंट होगा। ये चीज ध्यान रखना, ई एस का जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ एक्स का कंपोनेंट होगा, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी, मतलब एक्स डायरेक्शन होगी इसकी, और जो एच की होगी वो वाई डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट किया, इस वाली इक्वेशन में पुट किया, तो ई एस की जगह हमने पुट किया ई एक्स एस ऑफ जेड। तो ये हमारी ये वाली टर्म आ गई, इसको हमने अगर खोलेंगे, इसको एलैबोरेट करेंगे, तो ये वाली टर्म निकल के आएगी। अब सिर्फ इसका z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, तो एक्स वाई वाले जो टर्म है वो जीरो हो जाएंगे, और हमारे पास टर्म जो बचेगी वो सिर्फ z वाली टर्म बचेगी, ठीक है। तो
तो अल्टीमेटली ये किसके बराबर हो जाएगी, डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर, क्योंकि अभी तो हम तीनों के बराबर करके ले चल रहे थे, सिर्फ डेल लिया, अब टोटल ले लेंगे, टोटल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इनटू ई एक्स एस जेड ऑफ जीरो। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ई एक्स एस ऑफ जेड इज इक्वल टू ई नॉट ई रेस्ट टू माइनस गामा जेड प्लस ई नॉट का डैश ई रेस्ट टू पावर गामा जेड। ठीक है, अब जो ई नॉट है और ई नॉट डैश है, ये वाले जो टर्म है ये एक तरीके से कॉन्स्टेंट टर्म्स है। ठीक है, और अगर आपकी वेव फाइनाइट होनी चाहिए, अगर हम अब चाह रहे हैं कि हमारी वेव जो फाइनाइट हो, तो ई नॉट डैश हमारा जीरो के बराबर होना चाहिए, ये वाली टर्म जो हमारी जीरो के बराबर होनी चाहिए, ये जीरो नहीं हो सकती, ये जीरो होगी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म अगर हमारी जीरो होगी तो ई नॉट बाय ई रेस्ट टू पावर गामा जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारा पता चल जाएगी, क्योंकि अब हम कंसिडर क्या लेके चल रहे हैं कि भाई ई जो वेव प्रोपेगेट कर रही है प्लस जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, अगर हम इसको जीरो करते हैं ई नॉट को, तो हमारी जो वेव प्रोपेगेट होगी माइनस जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली टर्म हमारी जीरो होगी तो ये फाइनाइट होगी और ये जेड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो एक तरीके से चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी वो जो बोर्ड है वो भर गया है, बाकी इन टॉपिक्स में अगर यहाँ तक का कुछ आपको समझ नहीं आया, हमें क्या करना है, सिर्फ ये वाली टर्म लेनी है, ये वाली चार इक्वेशंस, इन चार इक्वेशन से पहले इसका कर लेते हैं वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं और उसको गामा स्क्वायर के बराबर पुट कर देते हैं, जो सेम इसी तरीके से फोर वाले के साथ पुट करते हैं, दोनों इक्वेशन हमारी क्या हो जाती है, दोनों इक्वेशन हमारी वेव इक्वेशन या हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन होती है। ठीक है, अब जो गामा है वो हमारी क्या है, एक फेजर क्वांटिटी है, तो हमने उसका रियल पार्ट अगर हम लेके चलते हैं, रियल पार्ट ये होगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ई जो हमारी वो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो हम करेंगे जेड डायरेक्शन में है, तो जेड डायरेक्शन में तो एक्स वाई जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएंगे, ये वाले टर्म हमारे निकल के आ जाएगी, ई एक्स ऑफ जेड की वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी सिंपल निकल के आएगी ई नॉट ई रेस्ट टू द पावर माइनस गामा जेड फॉर द फील्ड टू बी फाइनाइट। ठीक है, फील्ड टू बी फाइनाइट, तो हमारी ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसका अगर रियल पार्ट लेके चलेंगे, जेड वाले टर्म का रियल पार्ट लेके चलेंगे, ठीक है, मैं अभी आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखी ये वाली इक्वेशंस कैसे आई हैं तो आप पिछले लेक्चर्स देखिए। ठीक है, थैंक यू।